हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसे दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक पे टाइगर रनिंग के साथ साथ जो एक वीडियो वायरल हुआ था, दिल तेरे नाम जान को टाइगर रनिंग के साथ, इस टाइप के वीडियो आप टिकटॉक पर बहुत सारा अपलोड हो रहा है और यहाँ पे लाइक्स एंड व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। तो आज हम इसी का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं और आप लाइक एंड व्यूज काफ़ी ज़्यादा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल वीडियो को डिस्क्रिप्शन से वो करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से कैनवास का एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल पे सर्च कर लेना है दिल PNG, आपको बहुत सारे PNG मिल जाएगा, 2-4 PNG डाउनलोड कर लेना है। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और मैं वहाँ पर बताता हूँ इस टाइप की वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है, जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो वीडियो हमारा जो है यहाँ पे 7 सेकेंड का वीडियो है। आपको सिंपल इसे आगे तक लेकर आना है और यहाँ पे ध्यान रखना है 2.8 तक लेकर आना है। और इसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको पहले ही बताया था कि इसे दिल का जो है PNG आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 डाउनलोड कर लिया हो, तो आपको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। सिंपल जो भी चाहिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लेंडिंग पे आना है और इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ ब्रेक इन पे क्लिक करके मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इसे आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसका आपको जूम कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगना चाहिए कि हाँ इससे ही निकल रहा है। इसके बाद यहाँ पर तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं इसका जो टाइगर का कलर जो है आपका ब्लू है। अगर कलर इसका चेंज करना चाह रहे थे, सिंपल इस पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर पर आना है और आपको जो भी कलर चाहिए, यदि रेड कलर चाहिए तो आपको रेड पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रेड कलर हो चुका है, ठीक है। अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, जो भी कलर चाहिए आप कलर यहाँ से चेंज बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली रहने देता हूँ, जो भी कलर चाहिए अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। रेड सेलेक्ट करने को इसके आपको ब्राइटनेस अगर आगे पीछे करना है तो आप सिंपल कलर एडजस्टमेंट पर आना है और इसे आपको 50 कर देना है और इसे आपको थोड़ा हल्का नीचे कर देना है। इस तरह से आप कम बेस भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल हूँ, लेयर पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं, तो मैं सेकेंड वाले में आपको लेकर आता हूँ। चलो तो मैं इसे आपको सेलेक्ट करके और इसे जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि वो जो दिल मैंने लिया था यहाँ पे वो भी रेड था और ये भी रेड था, इसलिए कलर मैच हो रहा था, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा था। सिंपल इस पर क्लिक करना है, इन नेम इसमें आना है। जैसे कि एंट्री जब होता है तब किस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको इस पर को ध्यान रखना, ठीक है। इसे दिल वाले लेयर पे क्लिक करना है, आउट एनिमेशन में जाना है और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो मैं ये रहने देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तब देखिए देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद यदि आपको कोई लेटर लिख रहा है टाइप करना है, सिंपल लेयर पर आना है, इसके बाद टेक्स्ट पर आना है, जो भी आप लिखें, जैसे मान लो आई लव मॉम लिख देता हूँ मैं। इसके बाद इसे डन कर देते हैं। आपको सही तरह से इसे एडजस्ट करना है तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सेट कर रहा है। इसके बाद इस पर डबल ए पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे बोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट भी हो जाएगा देखने को। अगर इसे आपको कलर चेंज करना है, सिंपल कलर पे आना है और जैसे जो भी कलर आप चाहिए यहाँ पे कलर आप बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कलर भी आपका चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज हो चुका है, देखने में काफ़ी भी बेहतरीन लग रहा है। इसे आपको और भी बेहतरीन बनाना है तो यहाँ पर आपको आउटलाइन दे सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा वीडियो लगभग तैयार हो चुका है। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो का साउंड को आपको साइलेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद
कैंची के निशान पर क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद वीडियो को हमें डिलीट कर देना है, सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं 3 डॉट के ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे डिलीट कर देना है। ऐड हो चुका है म्यूजिक, आप कोई भी ला सकते हैं। जो ट्रेंडिंग चल रहा है अभी फिलहाल में, तो यही ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने इसी को ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद डन करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर 1080p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और वीडियो हमारा जो है यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।